ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, सभी का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को मैंने आप सभी के लिए दे रखा है, तो आप सभी को इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद आप सभी को आपके मॉडल को कुछ इस टाइप से आपको इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पर ऐड कर देने के बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को पहले अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर साइड में ऐड करने के बाद यहाँ से कर देना है डन। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है गाइस यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को मैंने पोकेमॉन बॉल का ये पीएनजी दे रखा है, तो आप सभी को इसको क्या करना है, इसको ले लेना है। एंड यहाँ से आप सभी को इफेक्ट में जाके यहाँ पर ब्लर पर जाके एंड इसकी ओपेसिटी, ब्लर की जो ओपेसिटी, इसको आपको कम रखना है अराउंड 5 तक। एंड यहाँ से क्लिक करें डन। एंड इसके बाद जो गाइस, आपको साइड में मैंने यहाँ पर एक जगह बना रखी है, ठीक है, तो इसको आप सभी को यहाँ पर रख देना है इस बॉल को। एंड यहाँ से आप सभी को यहाँ पर अच्छे से रख के साइज़ को थोड़ा छोटा करके एंड यहाँ पर कर देना है डन, ठीक है। एंड उसके बाद क्या था, आप सभी को जाना गेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को मैंने ये पोकेमॉन का पीएनजी दे रखा है, ठीक है, तो आप सभी को ये जो पीएनजी है इसको आप सभी को ले लेना है, ठीक है। इस पीएनजी को आपको सिंपली अपने मतलब शोल्डर के पास यहाँ पे रख देना है। एंड यहाँ पे अच्छे से मतलब कि साइज़ ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ठीक है, साइज़ को आपको मेनटेन रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो छोटे ही होते हैं तो इनको आपको छोटा ही रखना है साइज़। एंड ऐसे कर देना आप सभी को डन, ठीक है। एंड उसके बाद अब हमारी बात आती है इसकी शेडो की, तो हम इसको शेडो बनाने के लिए हम चलेंगे ड्रॉ टूल के अंदर। एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद हम ब्रश पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद आप सभी को मैं ओपेसिटी बताता हूँ आपको कितनी रखनी है, अराउंड 15 तक, ठीक है। एंड उसके बाद आपको साइज़ जो है छोटा रखना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे पेंट करना है। हमने साइज़ छोटा इसलिए रखा क्योंकि यार इनके पैर भी छोटे हैं, तो इसलिए हमने साइज़ भी छोटा लिया, ठीक है। तो आप सभी को कुछ इस टाइप से शेडो बना लेनी है यहाँ पे। एंड शेडो बना लेने के बाद आप सभी को सिंपली ऊपर डन वाले ऑप्शन पर दिख रहा होगा, आप सभी को यहाँ पर क्लिक करके एक बार डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को अगेन जाना है ऐड फोटो में, ठीक है। तो आप सभी को मैंने एक पीएनजी और दे रखा है, तो आप सभी को उस पीएनजी को ले लेना है सिंपली, ठीक है। तो इस पीएनजी को मैं यहाँ से ले लेता हूँ एंड यहाँ से ऐड पे क्लिक करके डन कर देता हूँ, ठीक है। जिस वाले पीएनजी को आप सभी को करना है कि आप सभी को जाना है पहले ब्लेंडिंग मोड में एंड इसको कर देना है स्क्रीन। एंड उसके बाद गाइस देखिए, ये जो मतलब कि एक ये वाला जो हमारा पीएनजी है ये स्काई ब्लू है एंड हमें चाहिए डार्क ब्लू, ठीक है। तो हमें डार्क ब्लू करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। तो देखो काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखेगा इसमें, तो मतलब कि अलग दिख रहा है ना। तो आप सभी को क्या करना है, इसको मैच कराने के लिए क्या करेंगे हम, आप सभी को यहाँ पे जाना है एडजस्ट वाले ऑप्शन में। आप सभी को यहाँ पे पहले मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्योंकि हमें एक पिंक भी बनाना है, तो पहले हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। एंड यहाँ पे चलते हैं एडजस्ट में, ठीक है। तो इसको पहले हम यहाँ बीच में ले आते हैं ताकि यार जो हमें कलर दिख जाए। तो उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को यू का ऑप्शन दिख रहा होगा एंड इसको आप सभी को ऊपर की तरफ कर देना है 71 तक। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे ब्लू कलर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को देखिए यहाँ पे अभी ये बिल्कुल मैच हो चुका है, ठीक है, हमारे बैकग्राउंड से। तो अब हमारे हैंड पे रिफ्लेक्शन देने के लिए हम इसको यहाँ पे आधा यहाँ लगाएंगे एंड इस पर दूसरे वाले पे जाएंगे एंड सेम स्टेप एडजस्ट में जाएंगे। एंड पहले सॉरी गाइस, इसकी ब्राइटनेस नहीं बढ़ानी है, आप सभी को जाना ह्यू में, ठीक है। ह्यू में जाने के बाद आप सभी कुछ इस टाइप से 129 तक कुछ ले जाना है एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे सिंपली साइज़ को बड़ा करके यहाँ पे ऐसे लगा देना है, ठीक है। इसे देखिए काफ़ी ईजी तरीके से कर दिया मैंने आप सभी के काम, तो आप सभी को यहाँ पे कर देना है एंड उसके बाद यहाँ से कर देना है डन, ओके। तो इतना काम यहाँ का भी हमारा हो चुका है। तो उसके बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को जाना है अगेन ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को यार पीएनजी ले लेना है। ये पीएनजी मैंने आप सभी को दे रखा है, तो इसको इसका जो ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रख के एंड फुल स्क्रीन कर देना है। एंड इसको फुल स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी को इरेजर टूल में जाना है और जो फेस के ऊपर एरिया आ रहा है आपको उसको इरेज कर देना है, ठीक है। इसको फेस के ऊपर इरेज कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से इसका जो ओपेसिटी कम करके डन कर देना है, ठीक है। इसको इतना कर देने के बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को जाना है इस ब्यूटी वाले ऑप्शन में एंड आपको फेस फिक्स में जाना है। फेस फिक्स में जाने के बाद गाइस, पहले आप इसको बिकॉज इसका अमाउंट आप सभी को थोड़ा कम रख के एंड उसके बाद आप सभी को इसको ब्रश पे क्लिक करके साइज़ को अपने हिसाब से रख लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली यहाँ पे इस तरीके से पेंट करना अपने मतलब फेस पे, आपको जहाँ जहाँ पे स्मूथनेस है वहाँ पे आप सभी को पेंट कर देना इस तरीके से। एंड गाइस ज़्यादा ध्यान रहे कि आपका मतलब कि जो मतलब कि जो मतलब कि नोज वगैरह है इनके पास देखिए कुछ इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना, आप इसकी ओपेसिटी को आप मैनेज करके भी आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया, तो देखिए यहाँ पे ठीक हो गया है। तो एंड उसके बाद यहाँ पे हम डन कर देते हैं। एंड गाइस यहाँ पे हमारी बारी आती है डोजेंट बन की, तो हम जाएंगे टूल्स में फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद हम ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, इरेजर टूल में जाएंगे, यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश पे जाएंगे एंड ऐसे ब्रश की साइज़ को छोटा करके। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक फेस पे यहाँ पे ऐसे पेंट कर देना है, ठीक है। पहले हम यहाँ से अंडो करके इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको साइज़ को बड़ा करके एंड यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से पहले यहाँ पे देखता हूँ कि अंडो हाँ यहाँ पे इन्वर्ट हो रखा है, तो यहाँ से हम साइज़ को थोड़ा बड़ा करके एंड यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे एक पेंट कर देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे पेंट कर देने के बाद आप सभी को करना क्या, इसकी जो ओपेसिटी आप सभी को इसको थोड़ी कम कर देनी है एंड ऐसे कर देना है डन, ओके गाइस। इतना कर देने के बाद आप सभी को जाना है यहाँ से टूल्स में अगेन एंड एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद आपको ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट कर देना है एंड ब्रश में जाके
ब्रश के साइज को छोटा करके एंड आप सबको फिर अपने ड्रेस के ऊपर पूरे करना है, ठीक है। एंड हैंड वैंड पे भी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर देते हैं एंड यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है गाइस। और एक टी शर्ट यहाँ पे शर्ट के ऊपर भी कर लेते हैं इधर उधर, ठीक है। तो यहाँ पे कर देने के बाद आप सबको करना डन। एंड जो उसकी ओपेसिटी आप सबको कम रखनी है, ओके, हमेशा की तरह हम ओपेसिटी कम ही रखेंगे। एंड यहाँ से अब बात आते हैं कलर क्रिएशन की, तो यहाँ से कर लेते हैं फोटो को सेव एंड यहाँ से चलते हैं बैक, ठीक है। तो जब तक यार हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है यार, और अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि आपकी एक लाइक से यार मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरे को ना वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दे करो। एंड यार अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि यार आप सभी को जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारी फोटो जो है सिंपली ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ऐड हो चुकी है, तो अब इसको हम ओपन कर लेंगे। एंड उसके बाद जाएंगे हम आप सभी को नीचे साइड में दिख रहा होगा लाइट वाला ऑप्शन, तो इसमें जाएंगे हम कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे थोड़ा सा। एंड हाईलाइट है जो इसको, इसको भी हम हल्का सा बढ़ा देते हैं। एंड एज ए शेडो को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। इतना कर देने के बाद शेडो को हम गाइस कम में रखते हैं, ठीक है। एंड वाइट को बढ़ा देते हैं, यहाँ से फिर हम ब्लैक को कम कर देते हैं। एंड उसके बाद चलते हैं हम नीचे वाले टूल में। एंड उसके बाद जो वाइब्रेशन है इसको बढ़ा देंगे। एंड वाइब्रेशन बढ़ाने के बाद जो टेम्परेचर है इसको हल्का सा माइनस में रखेंगे। एंड उसके बाद आप सभी को जाना मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद आप सभी को सैचुरेशन में जाना है, हो ग्रीन कलर के सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है यहाँ से येलो कलर में, एंड जो इसके ग्रीन कलर में। एंड इसके जो टी शर्ट का कलर है इसको हमें ह्यू का चेंज करेंगे। एंड ब्लू कलर है इसके ह्यू को भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखोगा इसे पूरा काम मत कर देना, क्योंकि आपको ज़्यादा ब्लू चाहिए था उसके लिए, मतलब कि बैकग्राउंड भी फिर ख़राब हो जाएगा ना। तो आपको हल्का सा ब्लू को ह्यू को कम करना है। एंड जो सैचुरेशन आप उसको भी कम कर सकते हो, है ना। तो उसके बाद आपको यहाँ से कर देना डन। एंड इसका जाना आप सभी को थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, इसमें जाना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसको, इसका जो मतलब कि शेडो है इसको ब्लू टोन में ले जाना है, ठीक है। एंड जो मिड पॉइंट है, मिड टोन्स है, इसको भी ब्लू में ले जाना है, ठीक है। एंड जो हाईलाइट्स है इसको ले जाना आपको पिंक टोन में, ठीक है। हाईलाइट को ले जाना आपको पिंक टोन में। एंड उसके बाद यहाँ से करना है डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को जाना है नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आप सभी को फोटो की जो क्लियरिटी इसको बढ़ा देना है, एंड जो वीकनेट है फोटो में उसको डालना है, ओके। इतना कर देने के बाद आप सभी को जो ग्रेन अमाउंट है फिर इसको भी बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आप सभी ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देने के बाद उसको नीचे वाले टूल में जाना है। फोटो की जो शार्पनेस है आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है गाइस। एंड उसके फोटो शार्पनेस को बढ़ा देना है। एंड जो नोई डायरेक्शन है इसको भी बढ़ा देना है। एंड जो कलर नोई डायरेक्शन है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारी फोटो एडिट करने के बाद यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारी जो फोटो का कलर है उसमें यार ब्लू टोन ज़्यादा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसा जाएंगे मिक्स में। एंड ब्लू कलर का जो सैचुरेशन है ह्यू को पहले हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, एंड सैचुरेशन को हम और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद यहाँ से कर देंगे डन। तो गाइस देखिए हमारी जो है यहाँ पे फोटो एडिट हो चुकी है गाइस, ठीक है। तो गाइस देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो यार आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।